केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हैलोजेंस जो हैं हमने देखा था कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड्स क्या हैं, कि ये ऑक्सीडाइज करने की कितनी टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और हम लोग इस पे इस कंक्लूजन पे पहुँचे थे कि जो आपके फ्लोराइड्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल रखते हैं, उससे कम आपके पास क्लोराइड्स, फिर आपके पास ब्रोमाइड्स और फाइनली आपके पास आयोडाइड्स, ठीक है। इसकी बहुत सारी रीजंस थी, जिनमें से एक तो ये है कि फ्लोराइड्स जो होते हैं इनकी आपके पास बॉन्ड एनर्जीज या लैटिस एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सेकेंडली ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। थर्डली ये है कि इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत कम होती है, ठीक है, कंपेरेटिवली अगर आप बाकी प्रॉपर्टीज़ के साथ देख रहे हो। तो इन वजूहत के बिना पे हमने कहा था कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स को, हाइड्रोजन हैलाइड्स। बेसिकली ये जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये बेसिकली हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के और हैलोजन्स के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एच और हैलोजन आपका क्लोरीन, ठीक है। तो ये HCl आपका एक हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको यूं भी तो कह सकता था, अगर मैं इसका नाम हाइड्रोजन हैलाइड की बजाय मैं लिख दूं हैलोजन हाइड्राइड, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? अब हम देखते हैं कि हैलोजन हाइड्राइड का मतलब क्या हो जाएगा। हैलोजन हाइड्राइड का मतलब ये हो जाएगा आपके पास क्लोरीन है पहले, एंड देन हाइड्रोजन आपका नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन नेगेटिव वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। लेकिन ये आपके जितने भी हैलोजन हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं ना, इसमें आपका जो क्लोराइड या हाइड्राइड या जितने भी हैलोजन हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। हैलाइड्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जिसकी वजह से होता यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सारा क्लोराइड की तरफ जा रहा होता है। क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नहीं होगा कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो। इस वजह से इसको नाम हाइड्रोजन हैलाइड देना बहुत बेहतर होगा निस्बतन हैलोजन हाइड्राइड कहने के, बल्कि वो गलत नाम होगा। अब हम जनरल देख लेते हैं, आपके पास हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड फिर टोटल चार पांच ही बनते हैं। एक तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन एस्टेटाइड, ठीक है। तो ये आपके पास मोस्टली हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जब आप आते हो हैलोजन ग्रुप के अंदर, आपके पास सबसे ऊपर क्या होता है, फ्लोरीन, फिर उसके नीचे क्लोरीन, फिर उसके नीचे ब्रोमीन, फिर उसके नीचे आयोडीन, ठीक है। आप जब सबसे ऊपर होते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि फ्लोरीन के केस में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिस्कस की थी। क्लोरीन की आपके पास वैल्यू है फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 एंड आयोडीन की 2.5। तो अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि आपकी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, तो यहां से अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है कि आपके हाइड्रोजन के जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं ना फ्लोरीन के साथ, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप HF सॉल्यूशन की बात करो, जिसमें सारे HF के ढेर सारे आपके पास मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होंगे, अब ये जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, यानी इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर, अब वो भी बहुत स्ट्रांग होंगी। उसकी वजह बिकॉज आपका हाइड्रोजन भी है और साथ में आपका बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से होगा ये कि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड हो रहा होता है किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और हाइड्रोजन चूंकि पार्शियली पॉजिटिव होता है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जितना ज्यादा मिलेगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी इसकी उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आपके जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, 9। तो अब होगा ये कि फ्लोरीन का हम छोटा सा एटम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, फ्लोरीन का फर्स्ट शेल एंड फ्लोरीन का सेकेंड शेल। फर्स्ट शेल में फ्लोरीन के क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड शेल में आएंगे कितने, 2, 4, 6 एंड
सेवन इलेक्ट्रिक, टोटल नाइन हो गए। अब फ्लोरीन को बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो बेसिकली ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड हो जाएगा एच एफ के केस में, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये दोनों आपस में एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और देखें अब हाइड्रोजन के भी दो पूरे हो गए और इसके भी आठ पूरे हो गए। अब एक सीन हो रहा है यहाँ पे कि ये वाले जो तीन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले और ये वाले, ये आपके पास थ्री लोन पेयर्स आ गए हैं, ठीक है। और ये जो लोन पेयर्स हैं, सॉरी लोन क्या, आई थिंक ये वाली स्पेलिंग नहीं होती, ये तो वो उधार वाला लोन होता, एल ओ एन ई लोन। ये जो आपके पास लोन पेयर्स है ना, लोन पेयर पेन्स लिख दिया मैंने, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ये बेसिकली आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपके अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन के एटम्स को। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का सीन होगा, देखें ये आपके पास एक एच एफ का बॉन्ड है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पार्शियली नेगेटिव है, ठीक है, पोलर बॉन्ड है ये और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, ये भी हमने देख लिया कि स्ट्रांग बॉन्ड है। अब होगा ये कि अब देखो फ्लोरीन के ऊपर तीन आपके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये बेसिकली जो तीन आपको अंडे से नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये आपके फ्लोरीन के ना, इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये एच एफ नहीं है ना, ये एच है ना ये एफ है, ये बेसिकली तीन लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर्स हैं। अब ये जो लोन पेयर्स है ना, ये इस हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेंगे और दरमियान में ये जो आपको नजर आ रही है, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल है एच एफ का, इस फ्लोरीन के भी जो तीन लोन पेयर्स हैं, ये और ये एक और हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करेंगे और ये आपके पास इस तरह एक कोर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये वाले आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये वाले आपके पास इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड्स आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के केस में। अब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, आप HCl की या HBr की बात करते हो, अब क्लोरीन का चूंकि साइज बहुत रिड्यूस हो चुका होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो उसकी वजह से ये होता है, सॉरी साइज इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस हो जाती है। और अब होता यह है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूक्लियर फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, या आप कह लो कि लोन पेयर्स का चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अब बहुत रिड्यूस हो जाएगी क्लोरीन के केस में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एच एफ में होती है, बाकियों में नहीं होती, और यही वजह है कि जो आपके एच एफ के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आपके हेक्सामर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हेक्सामर्स कैसे होते हैं देखने में, आपके पास एच एफ, ठीक है, पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव, ठीक है, फिर उसके बाद एक और एच एफ, ठीक है, फिर उसके बाद एक और एच एफ, ठीक है, फिर एक और आपके पास, बेसिकली होता ये है कि आपके पास छह मॉलिक्यूल्स ना, ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, छह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, और यहाँ पे आगे भी कहा चलता रहेगा, एक और एफ और फिर एच एंड फिर मॉलिक्यूल एंड देन एच एंड एफ, ठीक है। तो ये आपके पास देखो एक दो तीन चार पांच हो गए, और ये मैंने इस अंडे के अंदर एक एच एफ मिक्स मिस कर दिया, ठीक है, वो एक और भी होगा, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक हेक्सागोन बन जाता है, ठीक है, इस तरह की शेप बन जाती है, ठीक है, जिसके साइड्स पे छह आपके पास समझ लो के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं एच एफ के, ठीक है। तो इसकी वजह भी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या करते हैं कि ये लिंक्स बना देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नेक्स्ट चीज जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है वो है इनकी प्रिपरेशन, ठीक है, कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन हाइड्राइड्स होते हैं, ये सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहली चीज जो जहन में आती है वो तो ये है कि आप सिंपली हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दो किसी भी X2 लेट से, ये कोई भी आपके पास हैलाइड है, तो आपके पास HX बन जाएगा और दो HX बन जाएंगे, ठीक है। जनरली आप यही वाला रिएक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आप करो H2 के अंदर आप रिएक्ट करा दो F2 को, ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा 2HF, ठीक है। अब जैसा लास्ट लेक्चर के अंदर आपने, अगर लास्ट लेक्चर लिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वैसे, उस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि हमने एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन लिया था, Na+Cl2 एंड NaCl बनाया था उससे, ठीक है, और फिर हमने डिटेल में देखा था कि ये बेसिकली कितना एनर्जी
के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन जो है ये फीजिबल है। इसी तरीके से आज हम इस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि H2 जो है आपके पास ये गैस की फॉर्म में होता है, F2 भी आपके पास गैस की फॉर्म में होता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ये दोनों गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस वजह से होगा ये कि आपके बेसिकली आपको वेपराइज नहीं करना पड़ेगा दोनों को, दोनों पहले ही आपके पास गैसेस हैं। अगला काम आपको क्या करना पड़ता है रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये आपके पास ढेर सारे हैं, और F सिंगल बॉन्ड F, इन बॉन्ड्स को आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो आपके पास H, H और F, F वगैरह अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स तोड़ने के लिए अब आपको हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये हम आखिरी तीन चार लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देख चुके हैं ये क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है +436 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है, और जो आपकी फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो आपके पास है +154.8 किलो जाउल्स पर मोल, ठीक है। बेसिकली आप देखो कि ये आपको ये बता रहा है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड H2 जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना ये स्ट्रांग होता है फ्लोरीन की निस्बत, ठीक है। चलिए ये हमारा टॉपिक नहीं है कि क्यों स्ट्रांग होता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले आपको ये टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी जो कितनी बन जाती है 436, और इसको मैं 154 कर लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ करने से 155 हो जाएगा, मैं ऐड करने में सिंपल हो जाएगा, 54 एंड 36 आपके पास 90 हो जाते हैं, और ये आपके पास 590 टोटल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अगला स्टेप आप ये करो कि आप अब देखो एक H एक फ्लोरीन के साथ मिलता है और दूसरा H एक फ्लोरीन के साथ मिलता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, इनके बॉन्ड्स बनेंगे। अब एक HF बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी है, वो आप तो अपनी बुक पे भी देख सकते हो, आपके पास HF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो 566 होती है, यानी बेसिकली -566 किलो जाउल्स पर मोल रिलीज होते हैं अगर एक HF बॉन्ड बने। और चूंकि अब आपके केस में दो हाइड्रोजन और दो फ्लोरीन्स थे तो दो HF के बॉन्ड्स बनेंगे, तो बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास टोटल HF बॉन्ड्स में जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड एनर्जी वो कितनी होगी आपके पास 566 552 1100 and 16 232, तो आपके पास -1132 किलो जाउल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि इस रिएक्शन में हमने एनर्जी सप्लाई कितनी की थी 590, और एनर्जी आपको देनी कितनी पड़ी, सॉरी रिलीज कितनी हुई वो हुई 1132, तो 1132 में से आप 590 को माइनस कर दो, 2 माइनस 0 0, 13 माइनस 9 4, एंड देन 10 माइनस 5 5, 540, ठीक है, 2 माइनस 0 2 सॉरी, अच्छा 542 ये आपके पास क्या आया है 542 किलो जाउल्स पर मोल, ये आपके पास टोटल एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है, टोटल एनर्जी एक्स्ट्रा जो इस रिएक्शन में रिलीज होगी, बिकॉज पहले आपके पास ये वाली एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, और ये वाली एनर्जी टोटल एब्जॉर्ब हुई, तो टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपके पास -452 हो गई, 542 सॉरी। अब देखो ये आपके पास दो HF के मॉलिक्यूल्स के, जो एक HF के मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी -542 / 2, ठीक है, तो आपके पास एक HF के मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी -271 किलो जाउल्स पर मोल। और अब अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखो ये वो एनर्जी है जो टेबल के अंदर एज हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको यहां से ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया आपके, हीट ऑफ फॉर्मेशन हम बेसिकली किस चीज को कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी बॉन्ड की बेसिकली ये होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ना कि HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इस बात का मतलब है कि जब H2 और Cl2 आपस में मिलेंगे और HCl बनाएंगे दो HCl के, तो एक जब मॉलिक्यूल HCl का बनता है तो उसमें जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी आई आपकी -571, ठीक है। अब अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन कराओ तो जो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगी काफी, -92 हो जाएगी। और फिर अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन लेट से सबसे नीचे आप आ जाओ वो आप कराओगे तो आपके पास प्लस में आंसर आ रहा है, ठीक है। इस बात का मतलब है कि जब आपका हाइड्रोजन और आपका आयोडीन रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज नहीं होती बल्कि आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है,
इसका मतलब है ये वाला रिएक्शन सिर्फ तब होगा अगर आप टेम्परेचर सप्लाई करो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हीट बाहर से आप डालो, ठीक है। यानी H2 प्लस I2 प्लस आपको हीट भी देनी पड़ेगी तब ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और साथ में ये भी होगा कि आप हीट दे भी दोगे तब भी आपके पास ये जो साइन है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं होगा, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा तब भी, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ एच आई वापस इसमें भी चेंज होने लग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का तो ये तो खुद ही हो जाता है, विगरस रिएक्शन होता है। और ये आप ऊपर देख चुके हो, चुके बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो ये रिएक्शन बहुत विगरस और बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप क्लोरीन का रिएक्शन कराते हो तो वो भी नॉर्मली हो जाता है, लेकिन आपको ये करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ सनलाइट देनी पड़ती है, ठीक है। इसकी वजह यह है कि आप अपने फर्स्ट ईयर के अंदर एक कंसेप्ट पढ़ चुके होंगे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, वो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी सनलाइट प्रोवाइड करेगी, सूरज की लाइट, ठीक है। तो इधर ऊपर आप एक सूरज लगा दो, ठीक है, ये सूरज हो गया आपका, ठीक है। और ये सूरज क्या करेगा, इसको अपनी लाइट फेंकेगा इस क्लोरीन के ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल जाएगी। और फिर क्या होगा कि आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। आपका जो ब्रोमीन का रिएक्शन है ये होता ही नहीं है, इसको भी आपका टेम्परेचर हाई करना पड़ता है तब ये होता है, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस हो गए डायरेक्ट हाइड्रोजन हैलाइड्स के प्रिपरेशन के। इसके बाद आपके पास ये होता है कि आप ना सल्फ्यूरिक एसिड को सॉल्ट्स के अंदर रिएक्ट कर रहे हो, सॉल्ट्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप NaCl के साथ रिएक्ट कराओ, तो क्या होता है आपके पास के सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज में चेंज हो जाएगा, H प्लस में और HSO4 माइनस में। और सोडियम क्लोराइड तो वैसे ही आपके पास Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो सिंपली आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा आपके पास ये इसके साथ, ये इसके साथ, और क्या बन जाएगा, एक पास HCl बन जाएगा और साथ में NaHSO4 बन जाएगा, ठीक है, सोडियम बायसल्फेट। और ये सोडियम बायसल्फेट बाद में फर्दर रिड्यूस होकर ये आपके पास ऑक्सीडाइज होकर सोडियम सल्फेट बना देगा। आपके पास जो HCl है यहाँ पे ही देखें आपका एक बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में आ गया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते थे कि सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करा देते लेट्स से सोडियम फ्लोराइड के साथ, और फिर क्या होता कि आपके पास HF बन जाता और साथ में अगेन सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट आपके पास रिलीज हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड्स को। यही वाला रिएक्शन अगर आप करा रहे हो ना इसके साथ लेट से सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो फिर थोड़ा सा सीन डिफरेंट हो जाता है। अब सीन डिफरेंट इस वजह से होता है, देखो यहाँ पे आपके पास एक एच प्लस है और एक एच एस ओ फोर माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक एन ए प्लस है और एक बी आर माइनस है। अब होता ये है कि आपके ब्रोमीन है ना, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था कि आपका फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो आप जितना नीचे आते जाओ आप अगर आयोडीन की तरफ आते जाओ तो आयोडीन बहुत ही कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। जो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो आयोडीन ब्रोमीन ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब ये करते क्या है कि ये ब्रोमीन जो है ना, ये हाइड्रोजन सल्फेट को आप कह लो कि रिड्यूस कर देगा, ठीक है, या आप ये कह लो कि ये बजाते खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज होके क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ये बेसिकली Br बना देगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और अगर ये दो आपस में मिले तो ये Br2 और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देंगे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये कहां जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपके रिएक्ट कर जाएंगे, ये एक अलग रिएक्शन होगा, ये आपके पास HSO4 के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे, ठीक है, और साथ में वाटर रिएक्ट रिलीज कर देंगे अगर ये आप HSO4 के साथ रिएक्ट कराओ इसको, ठीक है। तो ये देखो अब हुआ क्या है इस टोटल ओवरऑल रिएक्शन में, एक आपके पास ब्रोमीन प्रोड्यूस हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ और वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और एक आपके पास चूंकि सल्फेट आइंस भी थे और सोडियम भी था तो सोडियम सल्फेट भी साथ में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो इसके प्रोडक्ट्स जो है वो ऊपर वाले रिएक्शन से थोड़े से डिफरेंट है, और उसकी वजह यह है कि आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आप यूं कह लो कि ब्रोमाइड आइन जो है ये रिड्यूस कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड को, या आप यूं कह लो कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है ब्रोमाइड आइन को, ठीक है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, और यहां पे फिर वो होने लग जाएगा। ऊपर वाले केस में ये इस वजह से नहीं हो रहा था कि फ्लोरीन जो है वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए थे और सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गया था, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया एसिड बेस्ड रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं इनकी जनरल कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख लेते हैं। अभी
हम लोग देख रहे थे इनके साइजेस वगैरह। देखो ये जो HF का साइज बहुत कम है, फिर HCl का ज्यादा है, HBr का और ज्यादा, बिकॉज आपका ये वाला बॉन्ड बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये आपका आयोडीन ब्रोमाइड, ये नीचे की तरफ साइज बड़ा हो रहा है। और साइज बड़े होने की वजह से क्या होता है कि जो इनकी वैंडरवॉल्स फोर्सेज है ना, वैंडरवॉल्स फोर्सेज वो बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं? ये हमेशा हर लेक्चर में ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, ठीक है। तो एक एच आई का जो बॉन्ड है वो दूसरे एच आई को किस फोर्स के साथ खींच रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी ना, क्योंकि आयोडीन की इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। ये आपके पास वैंडरवॉल्स फोर्सेज होंगी, और ये जो वैंडरवॉल्स फोर्सेज होंगी ये इतनी नहीं होंगी कि ये ऊपर जितना आप हो गए ना उतनी अच्छी नहीं होंगी, और नीचे की तरफ ये स्ट्रांग होंगी। यही वजह है कि अगर आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखो ना, सॉरी इनकी प्रॉपर्टीज कहाँ गई, प्रॉपर्टीज गुम गई थी, वापस आ गई, ये आपके पास प्रॉपर्टीज थी। अच्छा तो ये आप देखो, आपके पास जो एच एफ का जो सॉरी एच एफ को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, एच सी एल की बॉन्डिंग और एच पी आर की और एच आई की बॉन्डिंग को कंपेयर करो आपस में। एच बी आर में थोड़ी सी स्ट्रांग है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है, और एच आई में फर्दर थोड़ा सा ज्यादा है। अब देखो एच एफ थोड़ा सा एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, उसकी वजह यह है कि आपके पास एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ट्रेंड जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो देखो एच एफ के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन, का मतलब है 23 डिग्रीज टेम्परेचर। और अमूमन आपके कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? तकरीबन 20, 15, 20, 25 के दरमियान। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना एच एफ का, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही है। इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका जो एच एफ है ना, ये आपका रूम टेम्परेचर पे एज अ गैस एग्जिस्ट करेगा। अगर आप 19.5 चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हो गए तो ये एज अ गैस एग्जिस्ट करेगा, और इससे कम पे हो गया अगर आप सर्दियों की बात कर रहे हो तो उसमें आपका टेम्परेचर 2K 5-10 की रेंज में होता है, तो उसमें ये होगा कि आपके पास एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप ये कहते हो कि एच एफ जो है ना, ये आपके पास क्या है? एक वोलेटाइल लिक्विड, कि ये आपके पास लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वोलेटाइल का मतलब है कि ये फॉरन इवेपोरेट भी हो जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन की वजह ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू द रूम टेम्परेचर है। फाइनली आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। इनके ऑक्सीडाइजिंग ट्रेंड्स तो नहीं होते, आपके पास रिड्यूसिंग ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। आपका जो एच एफ है, ठीक है, उसके बाद आपके पास है एच सी एल, उसके बाद आपके पास है एच बी आर, और सबसे नीचे आपके पास एच आई। वैसे जब आपने कहा था कि फ्लोरीन आपके पास सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जब आप रिड्यूसिंग पोटेंशियल की बात करते हो तो आपके पास जो आयोडाइड का आयन है ना, ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी आयोडाइड आयन की कोशिश होती है कि ये आयोडाइड मॉलिक्यूल बन जाए और साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये फॉरन रिएक्ट करा जाता है, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करता है उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन आयोडाइड को रिएक्शन कराओ सल्फर के साथ, तो ये क्या करेगा? अब आयोडीन की यहाँ पे आयोडीन -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, आयोडीन की कोशिश होगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन फॉरन लूज करे, यानी खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाए और ये दूसरे को रिड्यूस कर दे। रिड्यूस करने का मतलब है कि सल्फर यहाँ पे जीरो चार्ज होल्ड कर रहा है ना, तो ये सल्फर के चार्ज को रिड्यूस करके -2 कर देगा, ठीक है। और बेसिकली -2 करेगा तो S-2 हो जाएगा, H+1 था, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2S बना देंगे, ठीक है। तो H2S और साथ में आयोडीन, ये जो यहां से ये वाला बना था I2 साथ में बन जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप HI का सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपके पास बन जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हो HF की और इसका आप रिएक्शन कराओगे सल्फर के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी आप यूं कह लो कि फ्लोराइड आयन जो है ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये तो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी इसकी तो कोशिश ये होगी कि ये सल्फर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे, ऐड ना करे। इसमें तो आपने ऐड कर दिए थे ना, तभी -2 बना था, ये तो रिमूव करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आ गया कि आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हो तो इन चारों के आपस में रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो है ये एच आई में ज्यादा होता है निस्बतन एच एफ के। और सबसे फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग पोटेंशियल्स के भी एंड पे, वो हमारा है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, अब आपको पता है कि ये जितने भी आपके पास हैं एच एफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एच बी आर हाइड्रोब्रोमिक एसिड और एच आई हाइड्रो आयोडिक एसिड, ठीक है। अब एसिड जो है उसकी स्ट्रेंथ कैसे डिटरमिन करते हैं, हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में देखा था कि एसिड की प्रोटॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, डोनेट करने की टेंडेंसी
इसको हम कहते हैं कि ये आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है. फॉर एग्जाम्पल एच एफ जो है ना, एच एफ क्या ये एच प्लस और एफ माइनस में फॉरन चेंज हो जाता है? अगर तो हो जाता है तो इसका मतलब है कि एच एफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जितना इजीली हो जाएगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. अब आप देखो कि ऊपर की तरफ एच एफ में अगर आप बात करो, इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है आपके पास, ठीक है. एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एक आपके पास, दूसरे इनकी बॉन्ड एनर्जी आपने अभी देखी थी वो बहुत ज्यादा थी. एच सी एल की बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम थी और एच आई की आपके पास बॉन्ड एनर्जी सबसे कम थी. तो अब बॉन्ड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एच एफ में बहुत ज्यादा है. इसका मतलब है एच एफ की प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत कम है. जिस बात का मतलब ये हुआ कि एच आई में चूंकि साइज बहुत बड़ा है आयोडीन का, आप हाइड्रोजन को फौरन अलग कर सकते हो बिकॉज इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है बाकी तीनों के नस्बत. तो एच आई सबसे अच्छा आपके पास एसिड है, ठीक है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये एच आई की सबसे ज्यादा है, उससे कम आपके पास एच बी आर की है, उससे कम आपके पास एच सी एल की है, और उससे कम आपके पास एच एफ की है, ठीक है. सो दैट्स इट अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ. आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था के हाइड्रोजन हैलाइड्स होते क्या, फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी थी जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अंदर होती है, ठीक है. फिर हम लोगों ने एनर्जी एनालिसिस किया था और देखा था कि कौन कौन से रिएक्शंस डायरेक्टली फिजिबल हैं और कौन से नहीं है, कौन से हो जाएंगे और कौन से नहीं होंगे. फिर हम लोगों ने क्या किया था कि फिर हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन देखा था मुख्तलिफ आपके सॉल्ट्स के ऊपर और देखा था कि इससे आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इनकी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, बॉइलिंग पॉइंट्स देखे थे कि ये कैसे वेरी करते हैं, ठीक है. और फाइनली हम लोगों ने इनके रिड्यूसिंग पोटेंशियल्स और सबसे एंड पे एसिडिक स्ट्रेंथ्स को देखा है कि ये कैसे वेरी करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जिस तरह आज हमने हैलाइड्स हाइड्राइड्स पढ़े हैं ना, अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्साइड्स पढ़ेंगे, ठीक है. ऑक्साइड हैलोजेंस के, ठीक है, जो कि बहुत ही वियर्ड होते हैं, ठीक है. तो गेट रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्साइड्स को पढ़ेंगे.